तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं AEW के पेपर व्यू ऑल आउट 2020 के बारे में, जो कि बस हमें एक दो दिन बाद ही देखने को मिलने वाला है। और हमें पता है किसी भी पेपर व्यू को अच्छा बनाते हैं उसके मैचेस, और साथ ही एक और चीज़ अच्छा बनाती है वो है रिटर्न्स बात करें या फिर डेब्यू की बात करें तो हमें पता है AEW के अंदर जो जितने भी उनके बड़े बड़े पेपर व्यू होते हैं, डबल और नथिंग की बात करें या फिर ऑल आउट की बात करें, ये उनके बड़े बड़े पेपर व्यू हैं और इनमें हमें काफ़ी सारे रिटर्न्स देखने को मिलते हैं, सरप्राइजेस देखने को मिलते हैं, डेब्यू देखने को मिलते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर के ऑल आउट में भी हमने देखा था, वहाँ पर सैंटाना ओटिस का डेब्यू देखने को मिला था, डबल और नथिंग में तो हमें पता है जॉन मॉक्सली का डेब्यू देखने को मिला था लास्ट ईयर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं AEW ऑल आउट 2020 के पांच ऐसे रिटर्न्स के बारे में, पांच ऐसे डेब्यू के बारे में जो कि हमें देखने को मिल सकते हैं AEW के अंदर। तो वीडियो काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसको लास्ट तक जरूर देखना और लाइक जरूर कर देना, और जो भी चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि आपको डेली यहाँ पर ऐसी कुछ कमाल की वीडियोस मिलती रहती हैं। तो गाइस फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करें यहाँ पर नंबर 5 से, जो कि गाइस निकल के आता है नेम, वो है द बेस्ट इन द वर्ल्ड CM Punk। अब CM Punk का नाम यहाँ पर मैंने सबसे लास्ट में इसलिए रखा है, नंबर 5 पे इसलिए रखा है क्योंकि इनका जो डेब्यू का चांस है या फिर रिटर्न की बात करूँ काफ़ी ज्यादा कम है। लेकिन CM Punk का भी हमें पता है AEW के साथ काफ़ी ज्यादा उनका नेम लिया जाता है, जब भी मतलब AEW का कुछ बड़ा पेपर व्यू सामने आता है तो CM Punk के रिटर्न के रूमर्स अपने आप ही आने लगते हैं। और इस बार भी यहाँ पर कुछ ऐसे हुआ है जहाँ पर CM Punk का भी नेम निकल के आ रहा है, और अभी हाल ही में CM Punk ने भी अपनी इच्छा जताई थी, जहाँ पर ट्विटर के ऊपर उन्होंने मतलब किसी ने उनसे पूछा था कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले AEW में काम करने की तो आप किसके साथ मतलब मैच लड़ना चाहोगे, तो यहाँ पर CM Punk ने खुद बताया था कैनी ओमेगा का नेम यहाँ पर उन्होंने लिया था और साथ ही यंग बक्स का नेम लिया था। तो उसी के बाद से कुछ ऐसे रूमर्स वगैरह चालू हो गए हैं कि CM Punk भी हमें AEW में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि CM Punk ने यहाँ पर खुद ही इच्छा जताई है कि अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी AEW में काम करने की तो वहाँ पर वो कैनी ओमेगा और साथ ही यंग बक्स के साथ मतलब मैच लड़ना चाहेंगे या फिर काम करना चाहेंगे। तो CM Punk का नेम तभी निकल के आ रहा है, और मुझे तो इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम लगती है, इसलिए CM Punk को यहाँ पर मैंने सबसे नीचे रखा है। वरना ये अगर CM Punk हमें देखने को मिल जाते हैं AEW में तो ये तो काफ़ी बड़ा रिटर्न होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग होने वाला है। लेकिन ये भी एक नाम है जो कि शायद हमें देखने को मिल सकता है, पॉसिबिलिटी तो आप काफ़ी ज़्यादा जीरो ही समझ सकते हो। नंबर 4 की बात करें, जो कि गाइस यहाँ पर सुपरस्टार निकल के आती है, वो है टेसा ब्लैंचर्ड। अब टेसा ब्लैंचर्ड को आपने देखा होगा, उनको आप जानते होंगे तो आपको पता होगा कितनी ज़्यादा कमाल की सुपरस्टार हैं। अभी हमने कुछ ही टाइम पहले उनको इंपैक्ट रेसलिंग में देखा था, वहाँ पर उनकी वर्ल्ड चैंपियन तक ये रह चुकी है, मतलब मेंस का वर्ल्ड टाइटल इन्होंने जीत के रखा है, और उसके बाद से ये वहाँ से ये रिलीज हो गई थी, और उसके बाद से अभी तक हमें कहीं पर देखने को मिली नहीं है। लेकिन टेसा ब्लैंचर्ड का भी जो नेम है काफ़ी ज़्यादा बताया जा रहा है, जो कि AEW में हमें देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि AEW में जाने का उनका कह सकते हैं काफ़ी एक अच्छा रीज़न है, क्योंकि वहाँ पर ही उनके फादर हैं टुली ब्लैंचर्ड, जो कि वहाँ पर हमें सॉन स्पीयर के साथ देखने को मिलते हैं, अभी FTR के साथ आ रहे हैं। लेकिन इसी वजह से यहाँ पर टेसा ब्लैंचर्ड का भी जो नेम है वो काफ़ी ज़्यादा बताया जा रहा है कि वो AEW में आ सकती हैं, अपना डेब्यू कर सकती हैं। और क्योंकि इतने टाइम से हमें देखने को मिली भी नहीं, और फ्री एजेंट हैं वो, ऐसा तो है नहीं है किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है, फ्री एजेंट है तो बिल्कुल हमें देखने को मिल सकती हैं। तो टेसा ब्लैंचर्ड का भी एक नेम है जो कि निकल के आ रहा है, जो कि शायद हमें मतलब AEW के ऑल आउट में देखते हुए नजर आए। अगला नाम की बात करें, गाइस नंबर 3 की बात करें, जो कि गाइस यहाँ पर नेम निकल के आ रहा है, वो है एडन इंग्लिस का। अब एडन इंग्लिस को आपने देखा होगा WWE के अंदर, इनका जो करियर है वो ज़्यादा तो कुछ खास रहा नहीं है। स्टार्टिंग में हमने देखा था कुछ मतलब टैग टीम के साथ हमने इनको देखा था, साथ ही रूसेफ डे के साथ ये हुआ करते थे रूसेफ के साथ, उसके बाद तो इनको कॉमेंटेटर बना दिया गया था, यहाँ पर ये 205 लाइव की कॉमेंट्री दिया करते थे। लेकिन अभी एडन इंग्लिस ने अभी यहाँ पर कुछ मतलब टीज़ करा है, जहाँ पर उन्होंने अपने ट्विटर के ऊपर ये वाली फ़ोटो को डाला था कुछ दिनों पहले, जहाँ पर आप देख सकते हो उन्होंने ब्रोडी ली के साथ वाली फ़ोटो को डाला है, साथ ही उन्होंने लिखा है आई विल जस्ट लीव दिस हेयर। तो इसी के बाद से ऐसे कुछ रूमर्स आने लगे हैं, और ऐसा लग रहा है कि एडन इंग्लिस हमें देखने को मिल सकते हैं ब्रोडी ली के साथ AEW में। तो एडन इंग्लिस का भी एक नेम बताया जा रहा है जो कि शायद हमें देखने को मिल जाए। और वैसे भी हमें बताया जो AEW का कैसीनो बैटल रॉयल होता है, जिसमें काफ़ी सारे सुपरस्टार आते हैं, तो हो सकता है वहाँ पर इनका भी एक नेम निकल के आ जाए और ये हमें AEW में अपना डेब्यू करते हुए दिखाई दें। नंबर 2 की बात करें, जो कि गाइस यहाँ पर सुपरस्टार हैं वो हैं एरिक रोवन। तो एरिक रोवन का तो काफ़ी ज़्यादा चांस है कि वो हमें देखने को मिल सकते हैं। मैंने आपको कुछ दिनों पहले न्यूज़ भी दी थी, जहाँ पर मैंने आपको बताया था जिस रात को मतलब जिस डायनामाइट के एपिसोड में ब्रोडी ली TNT चैंपियन बने थे कोडी को हरा के, मैंने आपको बताया था वहाँ पर स्पॉइलर निकल के आया था कि एरिक रोवन मतलब AEW में आएंगे और वो हेल्प करेंगे ब्रोडी ली के उस मैच को जीतने में। लेकिन वैसा तो वहाँ पर हमने कुछ ऐसा देखा नहीं कि एरिक रोवन वहाँ पर आए थे, लेकिन एरिक रोवन का काफ़ी ज़्यादा नेम है कि वो AEW में आ सकते हैं, AEW को साइन कर सकते हैं। और हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है AEW ने जो एरिक रोवन का डेब्यू है वो ऑल आउट पेपर व्यू के लिए बचा के रखा हो, इसीलिए वो उनको डायनामाइट के एपिसोड में लेके नहीं आए, क्योंकि हमें पता है जो ब्रोडी ली है उनकी
डार्क ऑर्डर का मैच होना है नाइटमेयर मतलब फैमिली के साथ, जो कि हमें पता है उनकी फ्यूड अभी चल रही है, उनके साथ मैच होना है। तो हो सकता है इसी मैच के चलते हमें एरिक रोवन का डेब्यू देखना मिल जाए। और क्योंकि लूक हार्पर वहाँ पर हैं, तो एरिक रोवन लूक हार्पर हमें पता है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर साथ ही काम करते थे टैग टीम में, तो हो सकता है इस वजह से एरिक रोवन भी हमें AEW के अंदर देखना मिल जाए। तो इनका कह सकते हैं आप, इनका चांस काफ़ी ज़्यादा समझ सकते हो, जो कि इनका डेब्यू हमें देखने को मिल सकता है AEW में। नंबर वन की बात करें, जो कि गाइज यहाँ पर जो नेम निकल के आ रहा है वो अभी रिसेंटली ऐड हुआ है, जो कि गाइज ब्रॉक लेसनर का। अब ब्रॉक लेसनर का मैं पता है WWE के साथ अभी किसी भी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, फ्री एजेंट बने बैठे हैं। तो इस वजह से ब्रॉक लेसनर का जो नेम है काफ़ी ज़्यादा बताया जा रहा है, जो कि हमें AEW में देखने को मिल सकते हैं। वैसे उनका जो नेम है वो UFC के लिए भी बताया जा रहा है, साथ ही AEW के लिए बताया जा रहा है, लेकिन UFC का पता नहीं क्यों मुझे तो कम चांस लगता है, और AEW का भी उतना कुछ खास चांस नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया था कि ब्रायन केज ने मतलब क्या ट्वीट किया था, कि मतलब उन्होंने खुद ही बताया था कि आप मतलब उनका मैच किस सुपरस्टार के साथ देखना चाहते हो अभी, तो उन्होंने वहाँ पर ब्रॉक लेसनर और साथ ही केनी ओमेगा का नाम लिया था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शायद ब्रायन केज भी मतलब कुछ टीस कर रहे हैं कि शायद ब्रॉक लेसनर हमें AEW के अंदर देखना मिल जाए, और अगर ब्रॉक लेसनर हमें देखना मिलते हैं AEW के अंदर तो ये काफ़ी बड़ी शॉकिंग बात होने वाली है। सच में शॉक होने वाला है ये पेपर व्यू, काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग होने वाला है सारे लोगों के WWE सुपरस्टार तक के मतलब होश उड़ने वाले हैं अगर ब्रॉक लेसनर हमें AEW में देखने को मिल गए। तो काफ़ी कह सकते हैं उनका चांस काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन फिर भी एक जो कि ये एक नेम है जो कि अगर हमें AEW के ऑल आउट पेपर व्यू में देखने को मिलता है तो काफ़ी ज़्यादा शॉक करने वाला है ब्रॉक लेसनर सबको, काफ़ी ज़्यादा शॉक करने वाले हैं। तो गाइस ये थे ऐसे टॉप 5 सुपरस्टार जो कि शायद अपना डेब्यू करते हुए नजर आए AEW में, जो कि शायद हमें देखने को मिल सकते हैं उनके ऑल आउट पेपर व्यू में। कमेंट करके आप लोग मुझे बताना इनमें से कोई सा भी सुपरस्टार आपको देखने मिल जाए तो किस सुपरस्टार को देख के आप AEW में शॉक होने वाले हैं, किस सुपरस्टार को आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि वो WWE को छोड़ के जाएगा। मतलब ब्रॉक लेसनर की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, बाकी सारे सुपरस्टार तो WWE में थे ही नहीं। मतलब टेसा ब्लैंचर्ड या फिर CM Punk की बात करें वो तो काफ़ी टाइम से है नहीं है, लेकिन आप मुझे बताना आप किस सुपरस्टार को AEW के ऑल आउट पेपरव्यू में देख के शॉक होने वाले हैं अगर इनमें से कोई हमें देखने को मिलता है। तो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना, साथ ही गाइस इस वीडियो को लाइक करने के नहीं आना, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और साथ ही शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी चैनल पर नया है पहली बार वीडियो देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही उस बेल आइकन को दबा लें जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो गाइस फिर तब तक के लिए ध्यान रखें अपना अपने परिवार का, तब तक के लिए मैं कहता हूँ गुड बाय।